हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए आज मैं फिर आई हूँ आलू की सिंपल सी रेसिपी लेकर, जो पूरी के साथ रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार बड़े बड़े आलू लिए थे, मैंने उबाल कर अच्छे से छील कर मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट किया है। और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है दोस्तों, आप लोग भी घर में बना के ट्राई करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। ऐसे ही सिंपल रेसिपी पाने के लिए हमारा चैनल को ये जरूर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टमाटर लिया था बड़ा, चार पांच हरी मिर्च लिया था, उसका मैंने ये चोपड़ में मैंने चॉप कर लिया था, मिक्सर ग्राइंडर में भी ये ग्राइंड कर सकते हैं। और मैंने एक चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, आप सबको मिलाकर ग्राइंडर में ये कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, थोड़ा सा मैंने काला जीरा लिया है और एक तेजपत्ता को मैंने तोल लिया है। तो बनाने के लिए हमको रिफाइंड तेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल गरम करने के लिए रख दिया था। हमारा तेल बढ़िया से गरम हो चुका है, उसमें हम कलौंजी मेथी दाना और तेजपत्ता को डाल देंगे। तो दो तीन मिनट तक हम अच्छे से मेथी दाना और कलौंजी को अच्छे से होने देंगे, तेल में पकने देंगे। तो हमारा देखिए मेथी दाना और कलौंजी जो अच्छे से हमारे तेल में पूरा अच्छे से चटक चुका है, अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब मसालों को दोस्तों हम लो टू मीडियम में ही अच्छे से, चार से पाँच में ही लो टू मीडियम अच्छे से भूनेंगे अदरक और हरी मिर्च टमाटर को। बहुत ही इजी सब्जी बनती आती है दोस्तों, झटपट सब्जी बन जाती है। तो देखिए दोस्तों हमारा चार से पाँच मिनट हो चुका है लो टू मीडियम में, मैंने टमाटर हरी मिर्च और अदरक को मैंने अच्छे से भून चुकी हूँ। और उसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, आप हींग इस टाइम में ही दीजिएगा। हींग को भी डालकर एक दो मिनट हम ऐसे भून लेंगे। जब तक हमारा हींग में एक दो मिनट भूनना हुआ, हम जब वहाँ पे भूनते हैं तब तक हम आपको सूखे मसाला दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, कलर वाली पी मिर्च पाउडर है और नमक स्वाद अनुसार। एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, इस सब्जी में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और मैंने आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। तो देखिए हमारा हींग डाला हुआ एक से दो मिनट हो चुका है, मैं बहुत अच्छे से भून भी लिया है। अब इसमें सूखे मसाले जो बताया था वो डाल देंगे, मसालों को डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। और इसे भी हम 5 से 6 मिनट ढक्कन लगा के अच्छे से मसालों को भूनेंगे, ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा 4 से 5 मिनट हो चुका है लो टू मीडियम में, मैंने ढक्कन रखा था, एक दो बार मैंने चलाया भी है मसालों को। तो देखिए ऊपर में पूरा तेल छोड़ चुका है, तो मसाला हमारा अच्छे से मसाला से भुना चुका है, अब अच्छे से चला लें। उसमें हम अपना उबला हुआ जो आलू काट के रखे थे वो डाल देंगे, अब हाथ से तोड़ के भी आलू डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे, हम आंच को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसमें आलू अच्छे से हम भूनेंगे, इसमें दो तीन मिनट और भी आलू को भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी हाथ के क्रश करके हमने रखा है वो डाल देंगे। ये दोनों मेथी अमचूर पाउडर और कस्तूरी मेथी डाल के एक से दो मिनट लो मीडियम में हम अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे पूरी के साथ खाइएगा जो दोस्तों, एंजॉय करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है और इतना जल्दी सब्जी बनके आ जाती है। आपको इसे मसाला भूनने में ही टाइम लगेगा बस। तो देखिए एक से दो मिनट मैंने अच्छे से अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। अब ऊपर में हम थोड़े से धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ता थोड़ा डालिएगा, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब्जी में आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए, ज़्यादा ग्रेवी हम रखेंगे नहीं, आपका मर्जी हो। बस हम इतना ही पानी डाले हैं, हम 300 ml पानी डाले हैं, आप अपना अंदाज से डाल लीजिएगा। देख सकते हैं हमारा आलू थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में है, अब अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों लो टू मीडियम में ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो देखते हैं जैसे 5 से 6 मिनट हो चुका है, मेरे सब्जी को ढककर मैंने रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने एक बार भी चेक नहीं किया है। तो देखिए हमारा आलू तो उबला ही था, हमारा आलू तो पूरा बॉईल किया हुआ था, हम इतने ही ग्रेवी रखेंगे पूरी के साथ खाने वाली सब्जी। क्योंकि ये सूखी सब्जी अच्छी लगती नहीं है, इसमें थोड़ा ग्रेवी रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, कढ़ाई से हम सब्जी को निकाल लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों हमारा सब्जी भी बनके रेडी है। मैंने कढ़ाई से निकाल भी लिया है सब्जी। सब्जी की रेसिपी आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।